हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और अब हम बात करेंगे इरिथ्रोपोइसिस के सेकंड वीडियो पे। ओके, और इसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है। तो देखिए, इसके पहले जस्ट हम फर्स्ट वीडियो की बात करते हैं कुछ एक दो मिनट के लिए। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या बात की थी कि कहाँ पर होता है। ओके, तो फर्स्ट वीडियो कहाँ पर, सेकेंड वीडियो कैसे। तो कहाँ पे हमने बात की थी कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो 9 मंथ का इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है उसके अंदर अलग जगह से आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, इन चिल्ड्रन अलग जगह से होगा, और उसके बाद एडल्ट में अलग जगह से आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो 9 मंथ का इंट्रा यूटेराइन पीरियड था उसके अंदर, उसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। स्टार्टिंग के 3 महीने अलग से होगा, 3 महीने बाद अलग से होगा, और इंट्रा यूटेराइन लाइफ के बीच में अलग जगह से आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो के अंदर कि कहाँ पे होता है आरबीसी का फॉर्मेशन या इरिथ्रोपोएसिस। उसके बाद अब आते हैं सेकंड वीडियो पे कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब बेसिकली कौन सी सेल इसका प्रिकर्सर होती है। तो देखिए, हम आपको यहाँ पे एक आरबीसी इरिथ्रोपोएसिस के सारे स्टेजेस के नाम लिखेंगे जिन जिन के थ्रू आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले होती है स्टेम सेल्स। ओके, मतलब आपको जो होता है ना बोन मैरो, उनके अंदर जो सेल्स होती है उन्हें बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो हम सारे के सारे स्टेजेस लिखेंगे कि इस सेल के बाद इस सेल में चेंज होगा, देन इसके बाद इस सेल में चेंज होगा, और लास्ट एंड फाइनली हमारा इरिथ्रोसाइट या आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले वाली सेल होती है हीमोसाइटोब्लास्ट। तो यहाँ लिख रहे हैं हम हीमोसाइटोब्लास्ट। ओके, तो हीमोसाइटोब्लास्ट कह दीजिए, या फिर इसी सेल का हमारे पास दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं PUSC। ओके, PUSC मतलब प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल मतलब क्या कि देखिए, हमने बोला यहाँ पे अनकमिटेड मतलब इसका फ्यूचर फिक्स नहीं है। ये जो सेल है हीमोसाइटोब्लास्ट है या PUSC है, ये RBC भी बना सकती है, WBC भी बना सकती है, और प्लेटलेट्स भी बना सकती हैं। तो इसका कोई फ्यूचर फिक्स नहीं है। मतलब क्या, अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं RBC फॉर्मेशन की, तो हमने सबसे पहली सेल ये लिखी। उसके बाद अगर हम WBC फॉर्मेशन की भी बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यही सेल लिखनी पड़ती, क्योंकि जितनी भी ब्लड सेल होती है सभी का फॉर्मेशन इसी सेल से होता है। यही सेल देन डिफ्रेंशिएट होगी और अलग अलग ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो इसका फुल फॉर्म है प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड। अनकमिटेड मतलब, प्लूरीपोटेंट मतलब कुछ भी बना सकती है, प्लूरी मतलब बहुत सारे, मल्टीपोटेंट RBC WBC प्लेटलेट्स कुछ भी, अनकमिटेड मतलब फ्यूचर फिक्स नहीं है, कुछ भी बना सकती है RBC WBC प्लेटलेट्स। और स्टेम सेल्स आप जानते ही है जिनमें कि आगे डिवीजन की टेंडेंसी होती है। तो सबसे पहली सेल ये है। उसके बाद ये सेल अगर हमें RBC बनानी है तो चेंज होगी प्रो इरिथ्रो ब्लास्ट के अंदर, देन ये प्रो इरिथ्रो ब्लास्ट से चेंज होगी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ओके, देन अर्ली से चेंज होगी इंटरमीडिएट, देन इंटरमीडिएट से चेंज होगी लेट। देखिए, ये वही है, यहाँ थी अर्ली, यहाँ है इंटरमीडिएट, देन यहाँ पे क्या है लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो यहाँ पे भी होगी नॉर्मोब्लास्ट, यहाँ पे भी होगी नॉर्मोब्लास्ट। ओके, तो इसके बाद देखिए, लेट नॉर्मोब्लास्ट से इसके बाद अगली सेल स्टेज बनती है, उसे बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। ओके, देन रेटिकुलोसाइट चेंज होती है हमारी इरिथ्रोसाइट में। ओके, तो देखिए, ये सारे के सारे इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, हमारा जो मेन एम था आरबीसी फॉर्मेशन बनाने का, वो बन गई। अब देखिए, सबसे पहले हम फिर से रिपीट करते हैं, ये है हीमोसाइटोब्लास्ट या फिर प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल, मतलब
ये प्लूरिपोटेंट है, कुछ भी बन सकता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, क्योंकि अगर हमें डब्ल्यूबीसी बनानी है तो भी यही सेल काम आएगी। ओके, उसके बाद बनी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, देन अर्ली इंटरमीडिएट लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर बनी रेटिकुलोसाइट एंड देन इरिथ्रोसाइट, जो कि हमें बनाना था। अब देखिए इन स्टेजेस के अंदर यहाँ पे भी एक सेल थी नॉर्मली और यहाँ पे भी एक सेल ही बनेगी। ओके, तो इन स्टेजेस के दौरान सेल में क्या चेंजेज होते हैं उनको हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे। ओके, तो देखिए इन स्टेजेस के दौरान जो जो चेंजेज होते हैं उन्हें हम अलग से लिख रहे हैं कि इससे इसमें आने पे, इससे इसमें आने पे, या फिर फाइनली बात करें पीयूएससी से डायरेक्ट इरिथ्रोसाइट बनी, इनसे ये बनी, तो इनमें क्या क्या चेंजेज हुए। ओके, तो देखिए इन चेंजेस को हम पढ़ेंगे टोटल 5 पॉइंट के अंदर, जिसमें हम सारे के सारे चेंजेस आपको बताएंगे। तो देखिए मैं यहाँ इसका टॉपिक बना रहा हूँ, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट। ओके, कि जो कि डेवलपमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट ही तो है कि इसके ड्यूरिंग दिस इस मतलब इस साइकिल के या फिर इस स्टेजेस के दौरान क्या क्या चेंजेज हुए वो यहाँ लिख रहे हैं। तो देखिए हमने बोला था 5 पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट होगा सेल साइज डिक्रीज। ओके, देखिए इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, सेल साइज डिक्रीज, मतलब अगर ये सेल बड़ी होगी, सबसे बड़ी अज्यूम कर लीजिए ये बड़ी सेल है, तो ये सबसे छोटी सेल होगी, मतलब इसके बाद इसकी छोटी होगी, छोटी मतलब सबसे बड़ी ये होगी देन छोटी होती जाएगी। ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है साइटोप्लाज्म इंक्रीज इन अमाउंट, मतलब क्या कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होता है। देखिए आपको थोड़ा गलत लग रहा होगा कि आप सेल साइज तो कम कर रहे हैं बट साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं, बट ऐसा ही होता है क्योंकि सेल साइज कम होगी तो बेसिकली हमारा जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होगा वो बढ़ेगा। ओके, KI बढ़ेगा। उसके बाद देखिए थर्ड होता है न्यूक्लियस डिक्रीज इन साइज, न्यूक्लियस की साइज भी डिक्रीज होती है, तो 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद देखिए आपको एज इट इज याद करने हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं MCQ में। उसके बाद देखिए स्टेनिंग रिएक्शन, ओके ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो साइटोप्लाज्म की स्ट्रेंजिंग जो कि स्टेनिंग की होती है, मतलब पहले एसिडिक हुआ अब बाद में बेसिक हो जाएगा, या फिर पहले बेसिक हुआ बाद में एसिडिक हो जाएगा, मतलब उसकी जो नेचर होता है केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, स्टेनिंग रिएक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म चेंज। अब क्यों चेंज हुआ, मतलब रीजन क्या है, तो उसका रीजन हम यहाँ लिख रहे हैं ड्यू टू ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ RNA अमाउंट। मतलब RNA अमाउंट के कम होने के कारण साइटोप्लाज्म की जो कि केमिकल नेचर था वह चेंज हो गया। ओके, तो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि RNA अमाउंट का डे बाय डे मतलब स्टेज बाय स्टेज कमी आ रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए कैसे क्या होता है, मतलब हमने बोला ना कि चेंज होती है, तो किससे कैसे होती है, तो देखिए हम यहाँ बताते हैं कि सबसे पहले इन फर्स्ट स्टेज आप समझ सकते हैं, फर्स्ट स्टेज या कुछ भी बोल लीजिए, स्टार्टिंग में जो साइटोप्लाज्म का स्टेनिंग नेचर होता है वो होता है डीप बेसोफिलिक, स्टार्टिंग की स्टेजेज में, तो यहाँ पे क्या होगा डीप बेसोफिलिक। ओके, देन डीप बेसोफिलिक से चेंज होता है पॉलीक्रोमोफिलिक, अब पॉलीक्रोमोफिलिक ये क्या चीज है, तो देखिए पॉलीक्रोमोफिलिक मतलब होता है बोथ, एसिडोफिलिक भी होगा और बेसोफिलिक भी होगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं बोथ एसिडोफिलिक एंड प्लस बेसोफिलिक। ओके, तो पॉलीक्रोमोफिलिक का मतलब क्या होता है कि दोनों स्टेनिंग नेचर होंगे, उसके
एसिडिक भी होंगे और एसिडिक भी होंगे और बेसोफिलिक नेचर भी होंगे। देन फाइनली स्टार्टिंग में था बेसोफिलिक, देन बाद में हुआ दोनों, उसके बाद फाइनली एज जो कि हमें इरिथ्रोसाइट के अंदर मिलता है फाइनली, तो यही हुआ ना। तो आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म का नेचर क्या होता है, वो होता है हमारा एसिडोफिलिक, एसिडोफिलिक। अब देखिए एसिडोफिलिक है तो इस हम इसे किससे स्टेन करेंगे, कॉमन सेंस है कि बेसिक डाई से स्टेन करेंगे। तो ये क्या है फाइनली, फाइनली जो आरबीसी का साइटोप्लाज्म का नेचर होता है वो होता है एसिडोफिलिक। ओके, अब देखिए इसे आप याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसको याद करते हैं हम बाबा से, बी ए बी ए, बाबा कैसे, सबसे पहले क्या था बेसोफिलिक, तो देखिए सबसे पहले बेसोफिलिक है, देन क्या है एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक, मतलब दोनों है, तो देखिए हमने दोनों बता दिए, पहले बेसोफिलिक देन एसिडोफिलिक प्लस बेसोफिलिक एंड फाइनली क्या है एसिडोफिलिक, तो देखिए फाइनली क्या हुआ एसिडोफिलिक। तो ये हो गई ट्रिक, फिर बताता हूँ, दिस इज बेसोफिलिक, उसके बाद दोनों, उसके बाद एसिडोफिलिक, फाइनली एसिडोफिलिक, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल पांचवा पॉइंट। देखिए हमने बोल दिया 5 पॉइंट होंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड देन लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं कि जो आरबीसी का न्यूक्लियस है वो स्टार्टिंग में कैसा होता है एंड लास्ट स्टेज में कैसा हो जाता है। तो देखिए न्यूक्लियस की बात करते हैं हम यहाँ पे इनिशियली, इनिशियली जो न्यूक्लियस होता है वो साइज होती है वेरी बिग। ओके, न्यूक्लियस साइज क्या होगी, वेरी बिग होगी, प्लस उसके साथ साथ जो न्यूक्लियाई होती है वो बहुत सारी न्यूक्लियाई को कंटेन करता है, मतलब रखता है, तो कंटेन मेनी ओके मतलब स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियस होगा वो साइज में बड़ा होगा और उसके पास बहुत सारी न्यूक्लियोलाई होगी। उसके बाद आफ्टर द मैच्योरेशन, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं मैच्योरेशन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ आरबीसी, मैच्योरिटी ऑफ आरबीसी, जैसे जैसे आरबीसी का मैच्योरेशन होता है तो अब साइज में और न्यूक्लियाई में क्या चेंजेस आएंगे वो लिख रहे हैं। तो देखिए न्यूक्लियस तो क्या है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई दोनों के दोनों बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं। हमने यहाँ लिखा ना कि न्यूक्लियस साइज डिक्रीज होती है, अब डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, धीरे छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है और एकदम बाद में तो एकदम डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि आरबीसी होती है न्यूक्लियस लेस, आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो डिसअपियर दोनों के दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई, तो डिसअपियर disappearance of nucleus, nucleus and nucleoli। ओके, मतलब स्टार्टिंग में तो इनिशियली तो क्या होगा, न्यूक्लियस बड़ा होगा, न्यूक्लियोलाइ बहुत सारी होगी, देन फाइनली फाइनली दोनों के दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। तो देखिए ये पांचों के पांचों चेंजेस मिलते हैं हमें इन स्टेजेस में, सबसे पहले जो हमें बताया था इन स्टेजेस, जैसे जैसे इधर से इधर मतलब पीयूएससी से जैसे जैसे आरबीसी बनती है इन स्टेजेस के दौरान उनमें ये चेंजेस होते हैं। ओके, तो ये पांच चेंजेस है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो तो फिजियोलॉजी का बेसिक ही ब्लड है, अगर आपको इन एग्जाम कुछ भी नहीं आया तो एग्जामिनर कहाँ पे आता है फाइनली, ब्लड पे, क्योंकि यार ब्लड तो बेसिक है, अगर आपको ब्लड नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। ओके, तो ये पांच पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज बिल्कुल टिप्स पे कर लेना। ओके, तो ये सारा का सारा था इरिथ्रोपोएसिस कैसे होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको और भी कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो नेक्स्ट टाइम बना दूंगा।